हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज वीडियो रे आम एसए वन एग्जाम प्रिपेरेशन साइंस रे एक नमूना प्रश्नपत्र देखा। एथर किसी क्वेश्चन डायरेक्ट तुम एग्जाम आसो, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यटन देखु। आउ चैनल को नू आसी सब्सक्राइब कर पाखे थे बेल आइकन क्लिक कर दिंतु। तो देखु एग्जाम तुम आउ मात्र चार दिन रहा, से चार दिन भितर कौन कर ना सब सेट प्रैक्टिस कर, सब सब्जेक्टर दसटी लेखे सेट प्रैक्टिस कर, बुझा पड़ा? कहीं सेट मानक प्राय क्वेश्चन एग्जाम मानक आसे, बुझा पड़ा? से तुम कम है केवल सेट प्रैक्टिस कर। तो चलतु आज आम साइंस गोटे ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस करवा, नेक्स्ट वीडियो आम सब्जेक्ट सेट प्रैक्टिस करवा, बुझा पड़ा? तो चलतु जीवा प्रथम क्वेश्चन को। तो देख भौतिक विज्ञान प्रथम क्वेश्चन कही, क्यों द्रवण में लघु गंधकामल मिसाइले धल अवक्षेप मिलता है? क्यों द्रवण में लघु गंधकामल मिसाइले धल अवक्षेप मिलता है? क्यों द्रवण में ना BaCl2, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दुई नंबर क्वेश्चन कही, रूपार उपकरण गुड़िक किसी समय वायु रही कला पड़ जाए, निम्नोक्त पदार्थ मान मध्य क्योंटी दायी दायी किए ना? सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तीन नंबर क्वेश्चन कही, Fe2O3+2Al विच गिवस Al2O3+2Fe रासायनिक समीकरण टी क्यों प्रकार प्रतिक्रिया, एटा क्यों प्रकार प्रतिक्रिया हो? ऑप्शन डी विस्थापन प्रतिक्रिया। चार नंबर क्वेश्चन कही, सोडियम धातु को जल में पकड़े कौन होता है? सोडियम धातु को जल में पकड़े से कौन जे जारित होता है? पाँच नंबर क्वेश्चन कही, क्यों रासायनिक प्रक्रिया टी एक ताप उत्पत्ति रासायनिक प्रतिक्रिया, एथि मध्ये कोडा गोटे ताप उत्पत्ति रासायनिक प्रक्रिया कोटा ही ना जो थे CO2 गैस बाहर कौन बाहर देख ऑप्शन बी रे बाहर है CH4+2O2 CO2+2H2O तेज ऑप्शन बी गोटे कौन हो एक ताप उत्पत्ति रासायनिक प्रतिक्रिया। छ नंबर क्वेश्चन कही, निम्नोक्त क्यों प्रक्रिया को तापीय विघटन कहुए? तापीय विघटन प्रक्रिया ये क्या कहुए ना मिथेन गैस दहन, मिथेन गैस दहन। सात नंबर क्वेश्चन कही, निम्नोक्त केउंटी सूर्य किरण रे धला, निम्नोक्त केउंटी सूर्य किरण रे धला वर्ण रु धूसर वर्ण रे परिणत हुए? किए सूर्य किरण रे धला वर्ण रु धूसर वर्ण होते किए थे? AgCl, एटा तुम बही अच्छे, बुझा पड़ा? आठ नंबर क्वेश्चन कही, प्रति ग्रुप रे ऊपर तल को मौलिक गुड़िकर परमाणु व्यासार्धर कौन परिणत हुए? प्रति ग्रुप रे ऊपर तल को मौलिक गुड़िकर परमाणु व्यासार्धर कौन परिवर्तन हुए ना बढ़े, व्यासार्ध बढ़े। नौ नंबर क्वेश्चन कही, निम्नोक्त मध्य क्योंटी एक दुर्बल क्षार, एथिमदे किए गोटे दुर्बल क्षार किए हो? NH4OH, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दस नंबर क्वेश्चन जीवा, तटका क्षीर पीएच मूल्य 6 अटे, यह दही में परिणत कले यार पीएच मूल्य कौन हम, कमिब ना वृद्धि हेब ना अपरिवर्तित रहिबो? एथिमदे कोड़ा ठीक हे, कोड़ा ठीक हम गोटे क्षीर पीएच मूल्य दे 6, यह दही में परिणत कले कौन हो? अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय पीएच मूल्य बढ़ ना कमिब कौन हम ना कमिब, बुझा पड़ा? कमिब तेब आई ए जो ठीक, डबल ए ट्रिपल ए कौन भूल हो तेज यार आंसर कौन ऑप्शन ए आई ठीक एवं डबल ए ट्रिपल आई भूल। एगार नंबर क्वेश्चन कही, क्लोर अल्कली पद्धतिर उत्पाद गुड़िक कौन कौन? क्लोर अल्कली पद्धतिर उत्पाद गुड़िक कौन कौन ना NaOH Cl2 आउ HCl। बार नंबर क्वेश्चन कही, निम्नलिखित द्रवण गुड़िक मध्य क्योंटी अम्लीय? एथिमदे कौटा अम्लीय, अम्लीय कौटा हो? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। तेरह नंबर क्वेश्चन कही, CaOH2 सह क्लोरीन रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सृष्टि होते? CaOH2 सह क्लोरीन रासायनिक प्रक्रिया कौन सृष्टि होते? कौन सृष्टि होते? ब्लीचिंग पाउडर है, ऑप्शन बी हो राइट आंसर। चौदह नंबर क्वेश्चन कही, गोटे मौलिक एम ग्रुप और द्वितीय पर्यायर अवस्थित हो, अन्य एक मौलिक एन ग्रुप दुई तृतीय पर्यायर अवस्थित, एम एन द्वारा सृष्टि जौगिकर अणुसंकेत कौन हम? गोटे मौलिक एम ग्रुप वन और द्वितीय पर्यायर अवस्थित, अन्य एक मौलिक एन ग्रुप टू आउ तृतीय पर्यायर अवस्थित, तेज एम एन द्वारा सृष्टि होता जौगिकर अणुसंकेत कौन हम? अणुसंकेत कौन हो
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେଲେ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବା କୌଣସି ଯୌଗିକ ଗଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଧାତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାତୁଟି ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତି ମିଳିଥାଏ। କେଉଁ ଧାତୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥାଏ, କିଏ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ଏ ଜି। ଷୋହଳ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଏକ୍ସ ମୌଳିକ ଏକ୍ସ ସି ଏଲ୍ ଟୁ ସଙ୍କେତ ସହ ଏକ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା କଠିନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗଣନାକରେ ଏକ ଯୌଗିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର କେଉଁ ମୌଳିକର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏକ୍ସ ରହିଥିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? କେଉଁ ମୌଳିକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହୋଇଯିବ? ଅପସନ୍ ବି ଏମ୍ ଜି। ସତର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ଏକ ମୋଟା ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ପ୍ରଲେପ ଦେବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲୁମିନିୟମର ଏକ ମୋଟା ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ପ୍ରଲେପ ଦେବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏନୋଡାଇଜିଂ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏନୋଡାଇଜିଂ। ଅଠର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, 600 ମିଲିଲିଟର ଗାର୍ଡ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ କେତେ ମିଲିଲିଟର ଗାର୍ଡ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇଲେ ଅମ୍ଳରାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? କେତେ ମିଶାଇଲେ ହେବ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 200। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? କିଏ ହେଇଯିବ? କପର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ? କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡଟି ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? କାହାକୁ? ଏଚ୍ ଜି ଏସ୍କୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, କାର୍ବନ୍ ସି ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ କାଟିଆନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ କାହିଁକି ନା ଚାରୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କାଟିଆନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ବନ୍ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲକିନ୍ ଅଣୁର ସଂକେତ କେତେ ହେବ? ପାଞ୍ଚଟି ପରମାଣୁ କାର୍ବନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲକିନ୍ ଅଣୁର ସଂକେତ କ'ଣ ହେବ? ସି ଫାଇଭ୍ ଏଚ୍ ଟେନ୍ ନାଇଁ କି? ସଂକେତ କ'ଣ ଅଛି? ସି ଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଆଲକିନ୍ର, ତେବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସି ଫାଇଭ୍ ଏଚ୍ ଟେନ୍। ଚବିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, କେଉଁ ଯୌଗିକ ଦ୍ୱୟ ଅପୃକ୍ତ କିଏ ଅପୃକ୍ତ ହୋଇଯିବେ? ଅପସନ୍ ସି ସି ଏଚ୍ ସି ଫୋର୍ ଏଚ୍ ଏଇଟ୍ ଆଉ ସି ଏଇଟ୍ ଏଚ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ। ତାପରେ ଯିବା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ ଗଠନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବନ୍ଧଟି କ'ଣ ନା ଏକ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ? ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଟି ପାକ ନଳୀର ସଠିକ୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଟି, ଗ୍ରସନୀ, ମୁଖଗହ୍ୱର, ନିଗଳ ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀ। ସତେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅପଚୟର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଡି ଜାରଣ। ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅନୁକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସ୍ନେହ ସାର। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତିରିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ? କିଏ ହେଇଯିବ? ଚେପ୍ଟାକୃମି। ଅପସନ୍ ସି। ନିର୍ମୂଳି ଓ ରାପ୍ଲେସିଆର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ତେତିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରାସର କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଅସରପା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ? ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା। ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଅନ୍ତଃରୋପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ନ ଘଟି ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନା ଆସ୍ଥାନିକ ଗର୍ଭ। ଛତିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଶୀତ ସୁପ୍ତି ବେଳେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ସତିରିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ପେଶୀରେ ବାକୁଲା ବା କ୍ରାମ୍ପ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ
क्यों प्रक्रिया हो लैक्टिक अम्ल किण अड़तीस नंबर क्वेश्चन कही कोष जीवक ग्लुकोज अणु विघटित हो श्वसन प्रक्रिय प्रथम क्योंकि सृष्टि हुए कौन सृष्टि हुए आंसर है अल्कोहल ऑप्शन सी है राइट आंसर। अड़चाश नंबर क्वेश्चन कही निम्नोक्त केउटी मनुष्य श्वासतंत्र अंश नुहे इतिमदर कोटा मनुष्य श्वासतंत्र अंश नुहे कोटा नुहे गलेट। चालीस नंबर क्वेश्चन कही निम्नोक्त केउटी हिमोग्लोबिन गठन पर आवश्यक निम्नोक्त केउटी हिमोग्लोबिन गठन पर आवश्यक कोटा हो ऑप्शन सी लोह। एकचाश नंबर क्वेश्चन कही आद्यावस्था आई वन क्यों उपावस्था परांतरण प्रक्रिया देखाए क्यों उपावस्था ऑप्शन डी डिप्लोटिन। बयालीस नंबर क्वेश्चन कही गुड़िक मनुष्य मुख्य रक्तवर्ग मनुष्य मुक्त मुख्य रक्तवर्ग कोड़ा कोड़ा ए बी आउ ओ ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तेयालीस नंबर क्वेश्चन कही शारीरिक कोषर मेरु अंचल तर्कतंतु गठन प्रक्रिया क्यों अवस्था आरंभ हुए क्यों अवस्था आरंभ हुए ऑप्शन बी आद्यावस्था। तापर जी आम चौराल नंबर क्वेश्चन को फुसफुस शिरा हृत्पिंडर क्यों अंश सह संयुक्त फुसफुस शिरा हृत्पिंडर बाम अरिंद सह संयुक्त क्यों अंग गुड़िक आमर ग्राही अंग अटंती क्यों अंग ग्राही अंग अटंती कौन अटंती आखि नाक आखि कान नाक आउ जीव आउ चर्म। तापर जी आम छयास नंबर क्वेश्चन को हृत्पिंडर चारोटी प्रकोष्ठ मध्य क्योंटी अधिक मोटा और कार्यक्रम क्योंटी अधिक मोटा और कार्यक्रम कोड़ा हो ऑप्शन बी बाम निलय। निम्नोक्त कहा मध्य वृक्ष कि शिरा धमनी और मूत्र सारणी वृक्ष संयुक्त होते कहा मध्य कि आंसर ऑप्शन ए हाइलम। अड़चाश नंबर क्वेश्चन कही संकोचिकी धानी रेचन अंग क्यों जीवर देखाए संकोचिकी धानी क्यों जीवर देखाए क्यों जीवरे एमी बारे प्रत्येक प्रत्येक वृक्षकीय नलिकार कप पार्श्वटी क्यों आड़क मुआई थाए क्यों आड़क मुआई थाए बाहर आड़क। लास्ट क्वेश्चन वृक्षकीय नलिकार कप को क्यों नाम नामित करो नाम ऑप्शन डी बायोमैन कैप्सूल। तो ये तुम विज्ञान पचास टी एम सी क्यू गोटे प्रैक्टिस सेट आशा करूँगी भिडियो तुमको निश्चय भी भल लगे जब भल लगी गोटे लाइक करूँ आउ चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन क्लिक कर दिंतु। आज भी ये पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।